शॉपिफाई में आपने बहुत बढ़िया सा ड्रॉप शिपिंग का स्टोर बना लिया और फेसबुक में डेली का 500 रुपए एड बजट लगा के एड्स भी चला रहे हो। इतना ही नहीं, आप पिंटरेस्ट में यूएस के ऑडियंस को टारगेट करने के लिए ऑर्गेनिकली आइडिया पिंस बना बनाकर डेली आप सोशल मीडिया में भी अच्छा खासा प्रेजेंट हो अपने स्टोर को लेके, लेकिन फिर भी सेल्स नहीं आ रही है और आप लॉस में जा रहे हो। दोस्तों यकीन मानो, मुझे पता है ये फीलिंग कि जब आप बहुत उम्मीदों से अपने शॉपिफाई स्टोर को लॉग इन करते हो ये सोचते हुए कि आज ना जरूर सेल आई होगी और आज मैं प्रॉफिट में रहूंगा। कभी कभार तो पूरा पूरा दिन हम वेट करते हैं हाथ में फोन लेके कि कब ये नोटिफिकेशन शॉपिफाई का आए, वो कचिंग वाली साउंड जिसको मैं इतना एंजॉय करता हूँ कि जब भी वो साउंड बजता है ना ऐसा लगता है कि यार सेल आ गई, दिल को सुकून मिल जाता है, एक सेटिस्फेक्शन का लेवल अलग होता है। लेकिन मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ दोस्तों, आप में से जिनको ये सूदिंग ब्यूटीफुल कचिंग साउंड सुनने को ही नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि सेल ही नहीं आ रही होती है। अब हैरान परेशान होकर आप शॉपिफाई स्टोर में जल्दी से लॉग इन करते हो और देखते हो कि सेल क्या सच में नहीं आई, और जब आप देखते हो कि हाँ सच में सेल नहीं आई लेकिन एड टू कार्ट हुए हैं, इनिशिएट चेकआउट भी हुआ है, ट्रैफिक भी अच्छा खासा आया है, बट सेल क्यों नहीं हुई, ये सोचते हुए आपका दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है और आप परेशान होके फिर सोचने लगते हो यार नहीं ये काम मुझसे नहीं होगा, या फिर ये काम बकवास है, ये कभी कोई नहीं कर पाता, जस्ट यूट्यूबर जो है ऐसे ही फालतू की बात करते रहते हैं और सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ये सब करते हैं। दोस्तों क्या ये वाली फीलिंग आपको जानी पहचानी लग रही है? बिल्कुल लग रही होगी अगर आपने कभी शॉपिफाई में काम किया होगा, अगर आपने कोई भी स्टोर बना के, चाहे ड्रॉप शिपिंग बोलो, चाहे ई कॉमर्स बोलो, या फिर कस्टमाइज्ड प्रिंटिंग टी-शर्ट्स बना के ही आपने क्यों ना किया हो, आपको ये वाली फीलिंग का एक्सपीरियंस जरूर हुआ होगा। तो अब सुनो जो मैं कहने जा रहा हूं, मैं आज आपको एक ऐसा नॉलेज देने जा रहा हूं जो शायद प्रैक्टिकल करने वाले लोग जो हैं उनको ज्यादा सुनना चाहिए, बिकॉज वो लोग क्या करते हैं, खाली 3 इडियट में जो वो चतुर था ना कि बस मुझे पढ़ा दो मैं रट लूंगा, वो रट्टू तोता बन के रह जाते हैं, उनको नॉलेज जो है कि क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं उसकी वजह क्या है वो जानने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, तो उन लोगों को तो खासकर सुनना चाहिए। बाकी जो नॉलेज में बिलीव रखते हैं उनके लिए तो आज वाला वीडियो है ही, क्योंकि हर बार प्रैक्टिकल करने से आप सक्सेसफुल हो जाओगे ऐसा नहीं होता दोस्त। इसीलिए हर एक काम करने का थ्योरी होता है, एक बेसिक नॉलेज होता है, उस नॉलेज पे बेस होके ही आपको प्रैक्टिकल करना चाहिए तभी सक्सेस आपको मिलता है, वरना सिर्फ प्रैक्टिकल करके ना आप एक लेबर बन के रह जाते हो, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो चलो आज इस सेशन के अंदर मैं आपको 4 ऐसे मेजर पॉइंट्स बताता हूं जिसके चलते हो सकता है आपके मैक्सिमम शॉपिफाई स्टोर के सेल्स ड्रॉप हो रही हो। इनमें से कोई अगर एक है या दो है या ज्यादा है तो जल्दी से उनको ठीक करके ना अपना शॉपिफाई स्टोर में सेल्स का वो कचिंग साउंड सुनने की आदत डाल लो। तो दोस्तों पहले पॉइंटर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ट्रस्ट। क्या होता है, जब आप कोई भी ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स के लिए कोई एक वेबसाइट बनाते हो तो वो वेबसाइट दुनिया के लिए तो नया है, आपके वाले कस्टमर या तो अमेज़न से बाय करते हैं या फिर फ्लिपकार्ट या फिर अपने अपने कंट्री के जो भी बेस्ट जो उनके ई कॉमर्स साइट है जो कि बहुत फेमस है उनसे बाय करते हैं। अचानक से अगर वो आपकी वेबसाइट पे आएंगे और ठीक है प्रोडक्ट अच्छा लगा उनको, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू जरूर होता है। कई सेलर ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट खराब भेज देगा और उसके बाद मैं रिटर्न मारूंगा तो रिटर्न नहीं लेगा, या फिर ये जो प्रोडक्ट है जैसा दिख रहा है वैसा नहीं होगा, मतलब देख तो ऐसा लग रहा है कि मेरे काम का है लेकिन जब वो आएगा तो वो वैसा नहीं होगा, या फिर टूट फूट ज्यादा होगी, या फिर सेलर का जो एटीट्यूड है वो बहुत कैजुअल है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ऑडियंसेस के माइंड में जरूर घूमते हैं, क्योंकि हम लोग खुद भी एक कस्टमर हैं, हम ऑनलाइन बहुत शॉपिंग करते हैं, तो हमें पता है कि अगर मेरे सामने भी कोई ऐसा वेबसाइट आया जो कि नया है तो मैं भी ये चीजें सोचूंगा जरूर एक बार। यही सेम चीज आपको देखना है कि आपके कस्टमर भी सोच सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ना उस ट्रस्ट को बिल्ड करना है। अब आप बोलोगे ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहला एंड कारगर तरीका होता है कि आप अपने ऑडियंसेस को रिव्यूज देने के लिए प्रोत्साहन करो। मतलब अगर आपका कोई भी सेल आता है तो अपने ऑडियंसेस को बोलो कि प्लीज इसके ऊपर रिव्यू जरूर दे, क्योंकि क्या होता है जब मुझे एक रेफरेंस मिल जाता है कि मेरे जैसे किसी और बंदे ने इस प्रोडक्ट को खरीदा था और उसका ये फीडबैक है तो कहीं ना कहीं बीइंग अ न्यू ऑडियंस मुझे ट्रस्ट हो जाता है कि अच्छा मैं भी इस प्रोडक्ट को इसलिए खरीद रहा हूं तो मेरे भी इसका मतलब ये फायदा होगा। तो रिव्यूज एक वन ऑफ द बेस्ट वे होता है ट्रस्ट जनरेट करने के लिए। और अगर मैं बात करूं शॉपिफाई में रिव्यूज लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आप यूज करो ओमनीसेंट का प्रोडक्ट रिव्यू फीचर। गाइस ओमनीसेंट के इस प्रोडक्ट रिव्यू फीचर का फायदा पता है क्या है, कि जैसे ही आपके पास कोई भी सेल आती है तो ओमनीसेंट उनको मेल भेज के उनसे रिव्यू लेने की पूरी कोशिश करता है, और वो तब तक कोशिश करता है या तो ऑडियंस मना कर दे कि भैया मैं रिव्यू नहीं दे रहा, या फिर ऑडियंस ने रिव्यू दे दिया है तब तक ओमनीसेंट उनको कंटिन्यूअसली फॉलोअप करके आपके लिए रिव्यू जनरेट करने की कोशिश करता है। और जैसे ही रिव्यू आ जाता है, क्योंकि ओमनीसेंट के इस एडऑन पे ही रिव्यू आने वाला है, तो वो रिव्यू आप एज अ विजेट अपने प्रोडक्ट के
के जस्ट नीचे दिखा सकते हो कि इस प्रोडक्ट के लिए जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो ये बोलते हैं। तो इससे डेफिनेटली ट्रस्ट जो है आपके ऑडियंस का, खासकर नए ऑडियंस का, वो इस तरीके से बिल्ड हो जाता है कि वो अब नहीं सोचती कि ये वेबसाइट नई है या पुरानी, लू या ना लू। वो फिर डिसाइड कर लेती है भैया प्रोडक्ट ये वाला मुझे चाहिए था, इसके रिव्यूज अच्छे हैं क्योंकि कस्टमर्स ने बता दिया जो उन्होंने खरीदा है, तो मैं इसको अब ले लेता हूँ। अब इसके बाद ना एक चीज का और फायदा हो जाता है कि रिटर्न भी काफी कम होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऑडियंस बिल्कुल तसल्ली पूर्वक रिव्यू को पढ़ने के बाद ही खरीदती है। जो रिव्यू में उसको समझ आता है कि ये था या नहीं था, उसके बाद जो डिसीजन होता है वो और फर्म डिसीजन होता है, जिस वजह से आपके रिटर्न के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और इससे बढ़िया एक ड्रॉप शिपर या ई कॉमर्स साइट होल्डर के लिए और क्या चाहिए। तो गाइस जल्दी से आप अपना ईमेल आईडी यहां पर एंटर करके ज्वाइन द विश लिस्ट पे क्लिक कर दो, क्योंकि ये जो ओमनीसेंट का नया फीचर है प्रोडक्ट रिव्यू वाला, ये 23rd of April ट्यूजडे को लॉन्च होने वाला है। बिल्कुल नया प्रोडक्ट होने वाला है जिसके इनिशियल मेंबर्स आप होने वाले हो। सो चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड ज्वाइन इट राइट नाउ। तो गाइस अगर शॉपिफाई यूज कर रहे हो तो इससे बेस्ट ऐप आपको नहीं मिलने वाला फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट फॉर योर न्यू ऑडियंसेस। सो फर्स्ट पॉइंटर हो गया हमारा क्रिस्टल एंड क्लियर। गाइस अब आते हैं दूसरे पॉइंटर पे, जो कि बहुत बड़ा रीजन है अगर आपके पास शॉपिफाई में सेल नहीं आ रही है। क्या होता है कि इस दुनिया में हर ऑडियंस जिसको आप टारगेट कर रहे हो, फेसबुक एड्स बोलो, पिंटरेस्ट, ऑर्गेनिक बोलो, कुछ भी बोलो, अगर आप टारगेट कर रहे हो और वो आपकी साइट में एज अ ट्रैफिक आया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो बाय कर लेगा, क्योंकि हो सकता है वो उस टाइम पे बाय करने के मूड में नहीं है, लेकिन आपका प्रोडक्ट उसने देखा, उसे अच्छा भी लगा, हो सकता है उसने अपने विश लिस्ट में रखा हो या ऐड टू कार्ट भी किया हो, लेकिन अचानक से उसका मन बदल गया और उसने फिर वहां पर ड्रॉप कर दिया अपना प्लान कि नहीं अब उसे ये वाला प्रोडक्ट फिलहाल तो नहीं चाहिए, और वो निकल गया। तो इससे क्या होगा, शॉपिफाई में आपको दिखेगा कि आपका ट्रैफिक तो आया था, ऐड टू कार्ट भी हुआ था, लेकिन बाय नहीं हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे आपके ऑडियंस का माइंड में ना ब्राउजिंग एज एन इंटेंट था, मतलब वो ब्राउज करने आया था, वो खरीदने नहीं आया था। तो अब आप यहां पर क्या कर सकते हो, तो गाइस यहां पर भी ओमनीसेंट आपको एक लेवल ऊपर जाके आपको हेल्प कर सकता है। कैसे, आप सिंपल ऑटोमेशन में जाओगे और उन ईमेल्स को ट्रिगर करना शुरू कर दोगे ऑटोमेशन के थ्रू ही, आपको मैनुअली बिल्कुल नहीं करना है। जो लोग आपकी साइट पे आए थे और उन्होंने चेकआउट भी किया था लेकिन चेकआउट के टाइम पे वो अबैंडन हो गए थे, तो ओमनीसेंट उन ऑडियंसेस को कंटिन्यूअसली टारगेट करता रहेगा थ्रू देयर ईमेल, एसएमएस, जब तक कि वो या तो बाय ना कर ले या फिर वो ना बोल दे कि मुझे और नहीं चाहिए। सेम गोज विद अबैंडन कार्ट, कि मैंने ऐड टू कार्ट तो किया था लेकिन बाय नहीं किया। अब ओमनीसेंट उनको ईमेल सेंड करता रहेगा, बोर नहीं करेगा या इरिटेट नहीं करेगा, एक इंटरवल पे सेंड करता रहेगा कि भैया आपने एक प्रोडक्ट को ऐड किया था अपने कार्ट के अंदर बट आपने बाय नहीं किया, तो जल्दी से आप बाय कर लो क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है। तो इस टाइप के ऑटोमेशन ओमनीसेंट में आप इजीली लगा सकते हैं, जिसके बाद आप देखना कि आपका जो अबैंडन कार्ट या अबैंडन चेकआउट वाले कस्टमर भी वापस आके आपके प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे हैं, क्योंकि ओमनीसेंट खुद बोलता है कि ओमनीसेंट पे खर्च किया हुआ $1 ने रिटर्न दिया है $72 का थ्रू ईमेल मार्केटिंग एंड एसएमएस मार्केटिंग 2023 में, जो कि एक बहुत बड़ा क्लेम है और वो भी उन्होंने वेबसाइट में बिल्कुल फ्रंट पे लिख रखा है। तो इसका मतलब मैं इनकी बातों पे ट्रस्ट कर सकता हूं और मैं ओमनीसेंट को यूज करके अपने ऑटोमेशन को ट्रिगर कर सकता हूं उन टाइप के ऑडियंसेस को दोबारा चर्न करने में जो कि आए थे और चले गए थे, क्योंकि उनको सिर्फ ऐसे ही जाने देना मेरी बेवकूफी होगी, क्योंकि उनको लाने के लिए मैंने काफी मेहनत या पैसे खर्च किए होंगे। तो अगर आपको ओमनीसेंट फ्री में साइन अप करना है, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करना और इसको साइन अप कर लेना, जिसके बाद आप इसको यूज कर सकते हो अपने Shopify स्टोर में। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंटर या फैक्टर जो कि आपको ध्यान रखना है जब आप Shopify में कोई अपना प्रोडक्ट अपलोड करते हो, वो है प्राइसिंग। देखो, प्राइसिंग एक साइकोलॉजी है। प्राइसिंग कभी भी किसी भी प्रोडक्ट में ना एज अ फिक्स नहीं होता है कि ये प्रोडक्ट जो है मुझे इतने में मिल रहा है तो मुझे इतने में मिलना चाहिए, क्योंकि आपका प्रोडक्ट कितने का है या कितने का हो सकता है आपके ऑडियंस को कैसे पता लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये टी शर्ट कितने का हो सकता है ये तो आप डिसाइड करोगे, लेकिन अगर आपके ऑडियंस को लगा ये टी शर्ट आप जितने का बोल रहे हो ये तो बहुत महंगा है, तो आपका ऑडियंस कभी नहीं लेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड ऑल्सो, अगर ये टी शर्ट जितने का है उससे आप बहुत सस्ता बेच रहे हो तो ऑडियंस को लगेगा कि ये बहुत ही खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट है जो कि ये सेलर बेच रहा है, ये अपना स्टॉक क्लियरेंस करने के चक्कर में हमें सस्ते प्रोडक्ट को चेप रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, प्राइसिंग एक साइकोलॉजी है और आपको इसको काफी ध्यान से यूज करना है कि ना वो बहुत ज्यादा महंगा हो जाए और ना बहुत ज्यादा सस्ता लगे। हाँ, कॉम्पिटिटिव जरूर होना चाहिए। अगर कोई 10 रुपए का बेच रहा है तो आप 9 रुपए या 11 रुपए कर सकते हो, लेकिन आप 15 रुपए या बिल्कुल 5 रुपए नहीं कर सकते,
फिर आप मार्केट में बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बहुत लोग ये गलती कर जाते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर में प्राइसिंग सेट करते वक्त। अब प्राइसिंग सेट करने के लिए ऐसा कोई ऐप शॉपिफाई में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं कि अगर आपको अच्छा सेल लाना है शॉपिफाई से, तो सबसे पहले आप एक काम करो कि जहां से आप प्रोडक्ट प्रोक्योर कर रहे हो, मेक श्योर कि वहां से बहुत सस्ते में आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए। सेकंड, आप मैक्सिमम 10% का मार्जिन लेके चलोगे, इससे ज्यादा आप नहीं लोगे। और अगर कम रखना है कॉम्पिटिटिव बनने के लिए, तो भी आप 5% का मिनिमम मार्जिन रख के उसको फिर उसके सेल प्राइस पे बेच सकते हो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है अगर आपको शॉपिफाई में अर्न करना है तो। अगर आप 10% से ज्यादा के मार्जिन के लालच पे गए, तो हो सकता है आपका प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला। अभी 10% किस चीज पे? कॉस्ट ऑफ गुड प्लस मार्केटिंग एक्सपेंसेस प्लस योर पीटी एक्सपेंसेस, इन सबको मिला के उसका 10% बोला है, ना कि सिर्फ आप कॉस्ट ऑफ गुड पे लगा दो। फिर आप देखोगे कि मार्केटिंग तो इतना बैठ गया कि उसने आपका 10% किया, 15% खा लिया और आप लॉस में हो। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको अपने प्रोडक्ट का पूरा यूनिट इकोनॉमिक्स बिठाने के बाद ही उस पे 10% का मैक्सिमम मार्जिन रखना है, तभी जाके आप प्रॉफिट में आ पाओगे और प्रोडक्ट बिकना भी अच्छा चालू हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, जो कि काफी ज्यादा ड्रॉपशिपर या ई कॉमर्स साइट होल्डर जो है मिस कर जाते हैं शॉपिफाई के अंदर, वो है कि आप शिपिंग जो प्राइस है वो अलग से दिखाते हो अपने ऑडियंस को कि प्रोडक्ट आप $10 का बेच रहे हो और $5 की शिपिंग है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा सेल जो है वो ड्रॉप हो जाती है, बिकॉज ये भी अगेन साइकोलॉजी है कि अगर कोई देखता है ना कि मैं शिपिंग के भी चार्जेस पे कर रहा हूं, तो वो शिपिंग उसको अलग से बहुत ज्यादा खटकता है, क्योंकि वो अलग से दिख रहा है कि ये तो यार मेरे लिए बेकार कॉस्ट पड़ गया। लेकिन वहीं अगर आप उस प्रोडक्ट को जोड़ देते हो अपने फाइनल कॉस्टिंग के अंदर और आप उसके बाद 10% का मार्जिन लेके उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो तब आपके ऑडियंस को ये दिखता है कि शिपिंग जीरो है, मतलब ये प्रोडक्ट मेरे पास फ्री में आ रहा है, तो मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट देना नहीं पड़ रहा है। तो ये साइकोलॉजी जब ट्रिगर करती है आपके ऑडियंस को, तब वो आराम से खुशी खुशी शिपिंग का प्राइस इंक्लूड है उसमें तब भी देने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये सारा साइकोलॉजी का गेम है जिसको आपको यहां पर खेलना है। कभी भी आप अपने प्राइस में, अपने प्रोडक्ट प्राइस में शिपिंग कॉस्ट को अलग से दिखाने की गलती मत करना, क्योंकि ये ट्रेंड जो है Amazon जैसी बड़ी कंपनी ने सेट कर रखा है कि उनको शिपिंग चार्जेस देने की जरूरत नहीं है जो Amazon से मंगवाएंगे। तो इसीलिए ट्रेंड के साथ हमें भी चलना पड़ेगा, और अगर हम इसके विरुद्ध गए तो काफी ज्यादा नुकसान हमें हो सकता है, और वो नुकसान फिलहाल तो अभी हम झेलने के लिए रेडी नहीं है। तो इस पॉइंटर का ध्यान रखते हुए आपको अपने Shopify स्टोर में शिपिंग प्राइस हमेशा इंक्लूड करना है अपने कॉस्ट ऑफ गुड में। तो गाइस, ये था मेरी तरफ से आज का वो नॉलेज जिसको हर Shopify स्टोर कीपर को ध्यान रखना है अगर उसको एक अच्छी सेल निकालनी है अपने Shopify स्टोर से। बाकी प्रैक्टिकल तो हमेशा मैं इस चैनल पे देता रहता हूं, और आप लोग काफी एंजॉय भी करते हो, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन मिलता है कि आप लोग सच में सीख पा रहे हो। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लो, क्योंकि मैं आपको सिर्फ नॉलेज और प्रैक्टिकल या दोनों इस चैनल पे हमेशा देता रहता हूं। तो दोनों फॉर्मेट आपके साइड बाय साइड चलते रहते हैं, जिससे आप सीरियसली एक फॉर्मेशन के साथ, एक बेस के साथ आपका जो ऑनलाइन असल का ये करियर है ये बनता रहता है। एंड मैं भी यही चाहता हूं कि आप ऑनलाइन करियर में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना होल्ड जो है वो बना पाओ। दैट्स ऑल फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस, यूं ही मुस्कुराते रहिए, दिमाग ठनकाते रहिए, और मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।